हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने पिछले कुछ दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड पे बहुत बड़े बड़े डीवैल्यूएशन किए, चाहे एक्सिस मैग्नस हो, एक्सिस एस कार्ड हो या एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड हो। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है, अभी एक्सिस बैंक ने क्लियर ट्रिप के साथ पार्टनरशिप की है। यानी इसमें आपको अगर डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हो और आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप 2900 तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें आपको कन्वीनियंस फीस या फिर फ्लाइट के मील या फिर आपको सिटी मैक्स का जो उसका ऑप्शन होता है जहाँ पे आप फ्लाइट को कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रिफर्ड सीट बुक करते हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑफर क्या है, कौन कौन से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड एलिजिबल है, आप ये ऑफर कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि ये ऑफर आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता हूं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं जो आपको जानने ज़रूरी है। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से वीडियो नहीं बनाता हूं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कमेंट में लिखिए आप क्वेश्चन और मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफर है क्या? अब एक्सिस बैंक ने क्लियर ट्रिप के साथ पार्टनरशिप की है। यानी अगर आप एक्सिस बैंक का आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है उसको तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, सिटी क्लब, सिटी लाउंज और सिटी वीआईपी। ये तीन कैटेगरी में सारे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कार्ड किस कैटेगरी में आते हैं और किस कैटेगरी पे क्या क्या ऑफर है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस ऑफर में आपको अगर पता चलेगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें आपको नो कन्वीनियंस फीस लगती है। यानी अगर दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत जगह पे हम कोई भी डिस्काउंट कूपन लगाते हैं तो कन्वीनियंस फीस से हमको कम ही डिस्काउंट मिलता है। कन्वीनियंस फीस इतनी ज़्यादा होती है आजकल फ्लाइट में कि डिस्काउंट का एक्चुअली देखा जाए तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। इस ऑफर में आपको कन्वीनियंस फीस जीरो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट में मील बुक करते हैं तो आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक का आप में मील बुक कर सकते हैं। और इसमें अगर आप जो सीट प्रेफर करते हैं, मोस्टली हम इंडियंस सीट प्रेफर नहीं करते, हम सीधा जाके बुक करते जो मिल गया ठीक है, लेकिन अगर आप वो भी बुक करते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ तक का इसमें डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप सीट प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा सिटी मैक्स यानी क्लियर ट्रिप का एक जो फ्लैक्स मैक्स का जो ऑप्शन रहता है जिसमें आप अपनी फ्लाइट को एक बार कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं फ्री में, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो ऑफर है सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए है। तो दोस्तों अब ये है कि सिटी फ्लैक्स मैक्स जो है वो है क्या। सिटी फ्लैक्स मैक्स जो है वो ये रहता है कि इसमें आपको फ्री कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है सारे डोमेस्टिक फ्लाइट में। इसमें वन टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, यानी डेट या एयरलाइन चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे आप डेट और एयरलाइन दोनों चेंज कर सकते हैं। ये जो आप फ्लाइट डिपार्चर के 24 आवर्स पहले आपको या तो कैंसिल या रीशेड्यूल करना होगा। अगर आपके डिपार्चर में 24 आवर्स से कम बचे हैं तो आप ये ऑफर का सिटी मैक्स का ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे, आपको 24 आवर्स से पहले आपको कैंसिल या रीशेड्यूल करना होगा। इसके अलावा अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको जो भी अमाउंट आपने पे किया है इंक्लूडिंग कन्वीनियंस फीस और जितने भी पे किया है, चाहे मील आपने पे किया है या सीट प्रेफर पे किया है, वो सारा अमाउंट रिफंड होता है। यानी एक भी रुपया आपका नहीं कटता है, सिर्फ एक रुपया आपका कटेगा, इसके अलावा सारा पैसा रिफंड होगा। और अगर आप रीशेड्यूल करते हैं तो जो भी फेयर का डिफरेंस है सिर्फ वही आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है अगर आप सिटी मैक्स ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बस ये ध्यान रही कि सिटी फ्लैक्स का जो ऑप्शन है कैंसिल या रीशेड्यूल करने का, आप पर पैसेंजर पर जर्नी सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि एक ही फ्लाइट को बार बार रीशेड्यूल करें, नहीं, आप सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है कि ये सिटी क्लब, सिटी लाउंज और सिटी वीआईपी कैटेगरी, इन तीनों में क्या क्या अलग अलग डिफरेंस है इस ऑफर के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्वीनियंस फीस की अगर बात करें तो वो तीनों में सेम है, वो सिटी क्लब का कार्ड हो, सिटी लाउंज में हो या सिटी वीआईपी हो, आपको तीनों केस में आपकी कन्वीनियंस फी वेव ऑफ हो जाएगी, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो मील है, मील में कैपिंग लगी हुई है, अगर आप सिटी क्लब कार्ड के अंदर आते हैं तो आपको मैक्सिमम 350 रुपीज़ का कॉस्ट जो है मील का वो रिफंड होगा या वो डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सिटी लाउंज या सिटी वीआईपी में आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ तक का आप मील ले सकते हैं। तो दोस्तों जो सीट प्रेफरेंस का जो है उसके अमाउंट में कैपिंग है, अगर आप सिटी क्लब कार्ड के अंदर आते हैं तो आपको 300 रुपीज़ तक का ऑफर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सिटी लाउंज में आते हैं तो आप 500 रुपीज़ तक का जो सीट प्रेफर है वो कर सकते हैं। अगर आप सिटी वीआईपी में आते हैं तो, मतलब अगर हायर फ्लाइट भी है, कोई बिजनेस क्लास भी है, तो 1200 रुपीज़ तक का आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सीट प्रेफर कर सकते हैं।
इसके अलावा जो सिटी फ्लैक्स मैक्स की जो ऑप्शन है, यानी जो आप कैंसिल और रीशेड्यूलिंग पे कोई चार्ज नहीं लगता है, सिटी क्लब पे ये ऑफर नहीं है। सिटी क्लब अगर आपके पास कार्ड है तो आपको सिर्फ कन्वीनियंस फीस, मील और सीट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन ही मिलेगा, आपको सिटी फ्लैक्स मैक्स नहीं मिलेगा सिटी क्लब के केस में। बट सिटी लाउंज और सिटी वीआईपी, इन दोनों केस में आपको सिटी फ्लैक्स मैक्स का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ ₹1 आपको कटेगा, बाकी सारा कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पे आपको पूरा रिफंड आएगा। अब दोस्तों अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सिटी क्लब, सिटी लाउंज, सिटी वीआईपी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कार्ड किसके लिए एलिजिबल है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिटी क्लब कार्ड इनका बहुत ही बेसिक वाला जो ऑप्शन है, जहाँ पे सिटी फ्लैक्स मैक्स नहीं मिलता है। इसमें सारे एक्सिस के बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं अदर देन कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, सारे जो भी क्रेडिट कार्ड है वो सिटी क्लब के अंदर आएंगे। मतलब ये ऑफर एक्सिस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड के लिए है। अगर आपके पास, आप देख सकते हैं कि सिटी लाउंज में कुछ सीरीज दे रखी है मैंने स्क्रीन पे, जो फर्स्ट 6 डिजिट है आपके कार्ड के, अगर वो मैच होते हैं सिटी लाउंज में जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, मतलब आप सिटी लाउंज के कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप सिटी वीआईपी के जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो इनको बिन बोला जाता है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट इनसे मैच होते हैं तो आप सिटी वीआईपी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि इसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं, हम अपनी फ्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं, क्या क्या हमको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी क्लियर ट्रिप की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड और आईओएस पे क्लियर ट्रिप का ऐप डाउनलोड करके भी आप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखिए कि ये ऑफर वन वे और राउंड ट्रिप दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस ये डोमेस्टिक फ्लाइट होनी चाहिए, लेकिन जो मिनिमम कैटेगरी है, मिनिमम अमाउंट है, वो 4,000 पर पैसेंजर होना चाहिए। और ये बात भी आप ध्यान रखिए कि राउंड ट्रिप के केस में भी ईच ट्रिप, यानी अगर आप मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई राउंड ट्रिप कर रहे हैं, तो दोनों केस में इंडिविजुअल फ्लाइट 4,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आपने मुंबई टू दिल्ली की फ़्लाइट 3,000 की और दिल्ली टू मुंबई 5,000 की है, तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फ़्लाइट आपकी 4,000 से कम है। तो इस केस में आप अलग अलग फ्लाइट बुक करिए, 3,000 वाली केस में आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन मुंबई टू दिल्ली टू मुंबई अगर 5,000 की है तो आप ये कर लेंगे। लेकिन अगर आपने राउंड ट्रिप बुक किया और इनमें से एक भी फ्लाइट 4,000 से कम की है तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो ऑफर है एक्सिस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड पे है, मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे बता चुका कि कौन से क्रेडिट कार्ड किस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपको ये ऑफर यूज़ करने के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा। आपका जो भी क्रेडिट कार्ड जिस भी कैटेगरी में आता है, तो सिटी क्लब में आता है तो आपको सिटी क्लब कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, सिटी लाउंज के कैटेगरी में आता है तो आपको सिटी लाउंज कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, या फिर सिटी वीआईपी के कैटेगरी में आता है तो आपको सिटी वीआईपी कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा। अपने कार्ड की एलिजिबिलिटी आप प्रीवियस स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप पेमेंट करते टाइम उसी क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करिए जो उस कैटेगरी में आता है, अदरवाइज ये ऑफर अप्लाई नहीं होगा। ये ऑफर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड उसकी ईएमआई ट्रांजेक्शन पे भी अप्लाई होगा। तो अगर आप ईएमआई भी कर रहे हैं टिकट पे तो भी ये ऑफर अप्लाई होगा, बस आपकी जो इनके रिक्वायरमेंट है मिनिमम पर फ्लाइट 4,000 की, वो एलिजिबल होना चाहिए। और दोस्तों सिटी फ्लैक्स मैक्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है आप एक ही बार रीशेड्यूल और एक ही बार कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको ये ऑफर नहीं मिलता था, क्लियर ट्रिप के कस्टमर केयर पे कॉल करिए, एक्सिस बैंक इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। चलो इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि जबकि ये ऑफर आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो पहला ये है कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो इन्फेंट यानी 2 साल से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसको ये ऑफर नहीं मिलेगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पता हो कि जो इन्फेंट होता है उनको सीट मिलती ही नहीं है, तो सीट मिलती ही नहीं है तो आप प्रेफर क्या करेंगे। और अगर आप उसका जो मील है, ऑब्वियसली 2 साल के कम बच्चे को हम फ्लाइट में मील प्रेफर नहीं करते, तो वो उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात कन्वीनियंस फीस की, ये कैंसिलेशन की चार्जेस, तो आपको पता होगा कि इन्फेंट का जो भी टिकट होता है वो एक फिक्स अमाउंट होता है, अराउंड 1500 का अमाउंट होता है। चाहे नॉर्मल एडल्ट का टिकट 2 साल के ऊपर वाले का टिकट 25,000 भी है, इन्फेंट का टिकट वो 1500 ही रहेगा। चाहे 3,000 भी टिकट है तो भी 1500 रहेगा, तो एक फिक्स अमाउंट होता है, तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो मिनिमम ही रहता है, तो इसलिए वो ऑफर एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन्फेंट का टिकट पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो वैसे भी सस्ता ही होता है। ये ऑफर सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट पे अवेलेबल है, ये ऑफर सिर्फ वन वे और राउंड ट्रिप पे अवेलेबल है। ये ध्यान रखिए मल्टी सिटी बुकिंग यानी कनेक्टिंग फ्लाइट अगर आप बुक कर रहे हैं तो ये ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें ये सीधा फ्लाइट होनी चाहिए, कनेक्टिंग फ्लाइट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सिटी फ्लैक्स मैक्स का ऑप्शन है वो ये होना चाहिए कि आप जो भी टिकट बुक कर रहे हैं ट्रैवल डेट की, वो 90 डेज के अंदर होना चाहिए। अगर आप 6 महीने बाद का टिकट बुक कर रहे हैं तो ये सिटी मैक्स का ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, वो आप नहीं ले पाएंगे। विद इन 90 डेज का आपको ट्रैवल है, जो डेट्स है वो 90 डेज के अंदर होनी चाहिए, यानी नेक्स्ट 3 महीने का टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको सिटी मैक्स जो फ्लैक्स मैक्स का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो ट्रांजेक्शन है ये 22 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023, यानी 22 अगस्त से 30 सितंबर तक ये ऑफर एलिजिबल है। पर ये ट्रांजेक्शन का ऑफर है, आप फ्लाइट टिकट कभी के भी कर सकते, फ्यूचर के भी कर सकते हैं।
तो ट्रैवल डेट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आप जो टिकट बुक कर रहे हैं 22 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में करिए, आपको ऑफर मिलेगा। और ये जो ऑफर है पर वीक पर कार्ड एक बार ले सकते हैं, मतलब आपके पास एक कार्ड है तो एक वीक में आप एक ही बार ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एड ऑन कार्ड है तो एड ऑन कार्ड को ये सेपरेट कार्ड की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एड ऑन कार्ड है, सेम कार्ड का एक एड ऑन कार्ड भी है या वाइफ के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, किसी के नाम पे भी है, तो आप ये ऑफर को एक ही वीक में दो बार यूज कर सकते हैं। एवरी मंडे ये ऑफर रिफ्रेश हो जाता है, तो मंडे टू संडे एक कार्ड पे आप एक ही बार इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, सिंस ये क्लियर ट्रिप है तो फ्लिपकार्ट के साथ आप सुपर कॉइन भी आप यूज कर सकते हैं, तो इस ऑफर में मैक्सिमम आप 250 जो सुपर कॉइन है वो ही यूज कर सकते, बाकी आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करिए। तो दोस्तों, अगला और कुछ और पॉइंट्स हैं, तो आपको ये मैं बता चुका हूँ कि पर पैसेंजर 4,000 रुपये तक का टिकट होना चाहिए, तो ही आपको ये ऑफर अवेल कर पाएंगे। अगर आप ये जो ऑफर है IVR या फोन बैंकिंग से, मतलब आप कस्टमर केयर पे कॉल करके अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, आपको ये ऑनलाइन ऐप से या साइट से ही बुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ऑफर जो है ये आप किसी और इंस्टेंट डिस्काउंट या कैशबैक के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि हर ऑफर के लिए आजकल एक कूपन कोड लगाना पड़ता है, और इस ऑफर के लिए भी एक अलग कूपन कोड है, तो आप एक दो कूपन कोड तो लगा नहीं सकते। तो आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरा कोई आप इसका डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे, तो आप ये बात का ध्यान रखिए। आपके लिए जो भी बेटर पड़ता है, आप वो अगर कहीं और पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता था वो ऑफर चूज करिए, पर मेरे हिसाब से कन्वीनियंस फीस और जो कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है सिटी फ्लैक्स मैक्स का, वो आपको दोनों एक साथ कहीं और नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप अगर क्लियर टेक का प्रमोशनल जो वॉलेट रहता है या फिर आप थर्ड पार्टी के कोई और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे लेटर, ये सारे ऑप्शन चूज करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये स्पेसिफिक कूपन कोड डालना पड़ेगा और वही कैटेगरी का आपको क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का यूज़ करना पड़ेगा ये ऑफर अवेल करने के लिए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि अलायंस एयर की अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको सीट और मील का जो ऑफर है वो नहीं मिलेगा अलायंस एयर के केस में, बाकी सारे एयरलाइंस में आपको मिलेगा। और दोस्तों, मैं फिर बता चुका हूँ कि आप अगर इसमें कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्लियर ट्रिप के कस्टमर केयर को कॉल करिए, एक्सिस बैंक आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, वो आपको रीडायरेक्ट ही करेगा। तो आप क्लियर ट्रिप पे जाके आप कर सकते हैं, और ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है 22 अगस्त, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 29 अगस्त है, 22 अगस्त से लेके 30 सितंबर के बीच में आप फ्लाइट बुक कराइए। और ट्रैवल डेट आप कभी की भी रखिए, 3 महीने बाद की रखिए, दिवाली की रखिए, क्रिसमस की रखिए, वो ऑफर एप्लीकेबल होगा। बस 90 दिन के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो सिटी फ्लैक्स मैक्स का ऑप्शन भी मिलेगा, आप 3 महीने के बाद की टिकट बुक कर रहे हैं तो सिटी फ्लैक्स मैक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो जीरो कन्वीनियंस फीस है, मील और सीट प्रेफरेंस का जो ऑफर है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मैंने सारे जो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी ऑफर है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कवर किए। आपके पास अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर करूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रहे। तो थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।